नमस्कार, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। रेड कलर का बटन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अगर आप भी अपने हथेली का इसी तरीके से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पर अपॉइंटमेंट नंबर यहाँ पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हैंड एनालिसिस की जो फीस है 500 रुपये फीस है। चलिए आज का विषय स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा विषय है पीलिया रोग। पीलिया रोग काफ़ी ज़्यादा गंभीर बीमारी होती है, भारत में भी होती है, काफ़ी लोगों को विदेशों में भी हो जाती है। तो ये रोग अधिक से ज़्यादा भारत में काफ़ी ज़्यादा होता है। इस रोग में क्या होता है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो लोग हमारे नए यूज़र्स हैं जिनको नहीं पता है तो मैं उनको बता देती हूँ। पीलिया रोग में आदमी जिसको भी पीलिया रोग होता है, इंसान की आंखें पीली पड़ जाती हैं। दूसरी बात, उसका जो टॉयलेट होता है, जो मूत्र निकलता है, मूत्र का जो मार्ग होता है, वहाँ से पीले कलर की मूत्र निकलती है, ऐसी बात है। दूसरा बात यह है कि पीलिया रोग के लिए कौन सा प्लैनेट प्रभाव डालता है। जिस भी जातक को पीलिया रोग होता है, आप उसका हथेली देख करके आप उसको बता सकते हो कि इसको पीलिया रोग है, ठीक है, ऐसी बात है। चलिए आज का विषय स्टार्ट करती हूँ। जो लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं, पैसे डॉक्टर के पास पैसा खर्च करके परेशान हो गए, तो एक बार ज्योतिष के प्रति आपको जो है विश्वास जरूर करना चाहिए। आप एक बार अपनी हथेली का या फिर कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लीजिए। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रेमेडी की जो फीस होती है वो हमारी अलग होती है, और कुंडली और हैंड एनालिसिस जो मैं करती हूँ उसका फीस अलग होती है। बीमारी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाए, पैसे से बड़ी नहीं होता है बीमारी, तो काफ़ी ज़्यादा जब बड़ी हो जाती है तो इंसान काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में आ जाता है। पैसे तो आदमी के पास दोबारा भी आ जाते हैं, तो पैसे को इंसान का माया मोह नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए आज का विषय स्टार्ट करती हूँ। ये हमारी जीवन रेखा होती है, ये हमारी मस्तिष्क रेखा होती है, और ये हमारी हृदय रेखा होती है। हमारे इस चैनल के माध्यम से आज आप बहुत ज़्यादा गुप्त ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। बुध यहाँ पर पीलिया रोग के लिए बुध प्लैनेट को पहले सबसे देखते हैं यहाँ पर ज्योतिष लोग, ठीक है। ज्योतिषी अगर यहाँ पर आपके बुध पर्वत काफ़ी ज़्यादा दबा हुआ पोजीशन पर हो और इसी बुध पर्वत पर अगर नक्षत्र का चिन्ह दिखाई दे रहा हो इस तरीके से, तो इंसान को पीलिया रोग बहुत जल्दी पकड़ लेता है। और अक्सर ऐसा होता है कि दो दो तीन तीन बार पीलिया का इलाज कराने के बाद में भी दोबारा फिर से पीलिया होता है, ठीक है। और इस पीलिया रोग में इंसान कभी कभी ख़त्म भी हो जाता है, ऐसा भी होता है। अगर नक्षत्र का चिन्ह अगर किसी की हथेली पर दिख रहा हो तो आप उसको तुरंत बता सकते हैं, या फिर जो पीलिया का जो मरीज होता है उसके हथेली पर नक्षत्र का चिन्ह आपको साफ सुथरा देखने को मिल जाएगा आपको। दूसरा चिन्ह मैं बता देती हूँ, दूसरा पॉइंट कौन सा होता है। अगर किसी भी जातक को पीलिया होता है तो उसकी हथेली पर साफ सुथरा सा एक द्वीप दिखाई देता है। यहाँ पर द्वीप मैं बना करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से द्वीप का चिन्ह दिखाई देखने को मिलता है। अगर इस तरीके से द्वीप का चिन्ह बन रहा है तो समझ लीजिए जातक को पीलिया रोग है। कभी कभी डबल द्वीप भी दिखाई देता है, काफ़ी गंभीर बीमारी हो जाती है, इंसान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। इस तरीके से द्वीप का चिन्ह दिखाई पड़ता है, इंसान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, ठीक है। ऐसे जातकों को पीलिया रोग आए दिन लगा ही रहता है, ठीक है। दूसरी बात मैं बता देती हूँ, पीलिया रोग के लिए इंसान के यहाँ पर बुध का जो पर्वत रहता है, बुध के पर्वत पे काफ़ी ज़्यादा काला धब्बा देखने को मिलता है। इस तरीके से काले काले धब्बे देखने को मिलते हैं, हल्के धब्बे भी होते हैं, डार्क धब्बे भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर किसी भी जातक की हथेली पे काले धब्बे भी हों तब भी उससे बता सकते हैं कि उसको पीलिया रोग है। पीलिया रोग होता है तो इंसान को जो जवान होती है वो भी लड़खड़ाने लगती है बोलने में, ठीक है। तो एक ये भी इंडिकेशन है, ये भी एक साइन है, ठीक है, ऐसी बात है। और उसका जो दिमाग होता है वो काम करना थोड़ा सा बंद कर देता है, इंसान डिसीजन लेने में घबराने लगता है, ये भी बात है। आशा करती हूँ आज आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा गुप्त ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप लोग अच्छा अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हैं। गुरु दक्षिणा देना ना भूलिएगा, 21 रुपये से लेकर के जितनी भी आपकी श्रद्धा हो गुरु दक्षिणा अवश्य आप लोग डोनेशन करिएगा। डोनेशन के लिए आप लोग गूगल पे कर सकते हैं या फिर आप लोग पेटीएम भी कर सकते हैं। जो भी आप लोग डोनेशन करते हैं वो हमारे चैरिटी पे जाता है, ट्रस्ट पे जाता है। चलिए यहाँ पर स्क्रीन पर जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, ये पेटीएम आईडी यहाँ पर ये शो हो रही है। यहाँ पर इस पेटीएम आईडी पे आप लोग डोनेशन कर सकते हैं या फिर ये गूगल पे की आईडी शो हो रही है, इस गूगल पे भी आप लोग डोनेशन कर सकते हैं,
ठीक है, आशा करती हूँ आज का विषय आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। राधे राधे ज़रूर लिखिएगा कमेंट।